सांसदगण, सभी सम्मानी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश से कोने कोने से आज के इस महाआयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार जनजाति कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारा संकल्प है। मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुश्री मीना सिंह मानवे जी का। देवे सज्जनों, प्रदेश के जनजातीय समुदायों को उनका अधिकार दिलाने, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और विकास का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव प्रयासरत रहे हैं और उनकी सरकार लगातार इस बात के लिए संकल्पबद्ध भी है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें, उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई वीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण और यहां उपस्थित, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को
प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजाति समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजाति योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजाति गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए, ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहाँ कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके गिन्नौरगढ़, गड़ा मंडला, सिंग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगान से, अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खान, पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद गिन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरतापूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था बचपन में। हम